वहीं धमतरी जिले में दो लोगों की हत्या की आशंका में कुरुद पुलिस ने दफन एक व्यक्ति के शव को खोदकर बाहर निकाला है, जबकि दूसरे व्यक्ति को जलाने के बाद बचे अवशेष को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं कब्र से निकाले गए शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दोनों ही मामले में मृतक के बेटों पर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ग्राम सिवनी कला निवासी फिरता राम पटेल की मौत 6 मार्च 2024 को हुई थी। वहीं ग्राम बकली निवासी पंचराम देवांगन की मौत बीते 14 मई को हुई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामले में मृतक के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। उनके बेटों ने जमीन विवाद में अपने पिता का गला दबाकर हत्या की है। वहीं शिकायत को गंभीरता लेते हुए कुरुद पुलिस ने सिवनी कला पहुंचकर तहसीलदार और डॉक्टरों की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला। साथ ही बकली में दाह संस्कार के बाद बचे हुए अवशेष को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामले में मृतक के बेटे अभी फरार है। बहरहाल पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। कल के दिनांक को ग्राम बकली और ग्राम सिवनी कला के परिजन जो हैं, वो लिखित थाने में शिकायत दर्ज कराए थे कि उनके पुत्र के द्वारा अपने पिता का गला दबाकर या श्वास अवरुद्ध कर उनकी हत्या कर कफन दफन और दाह संस्कार कर दिया गया है, जिस पर से मर कायम किया गया है और मर कायम करने के बाद जांच जारी है। हाँ, बकली का है लेकिन वहाँ दाह संस्कार कर दिया गया है, और सिवनी कला का है जिसमें कफन दफन किया गया था, उसको एडीएम सर की अनुमति से लेकर के शव का खनन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिरता राम पटेल नाम है उनका, बकली में है उनका पंचराम देवांगन। हाँ, उस संबंध में लोगों से पूछताछ चल रही है और उनके जो लड़के हैं उनका तलाश किया जा रहा है। ये भूमि संबंधी है, ऋण पुस्तिका को रख कर वो गिरवी रख देते थे और पैसा लेकर अपना जो भी आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति करते थे, जिस पर उनके पिताजी विरोध करते थे, जिस पर से ये घटना प्रतीत हो रहा है।